गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक कान्हा जी की कैप, ये देखिए, जिसको बनाना बहुत ही इजी है। अभी तक मैं आपको बता रही थी कि हेड कैसे बनता है। हेड मैंने बनाए थे, दो तीन हेड बना लिए हैं मैंने। अब मैं इस तरह की कैप भी आपको बताऊंगी। ये देखिए, इस तरह की हेड भी तीन नंबर में आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारे पाँच नंबर और छः नंबर के लड्डू गोपाल जी की हेड है, और ये हमने तीन नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है, तो इनके लिए हमने इस तरह का कैप बनाया है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा इसका लुक आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, आपको इस ड्रेस का फुल ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे मिल जाएगा। पार्ट नंबर वन में हमने इसकी चोली दी है, पार्ट नंबर टू में इसकी जो घेरा है वो दिया है, और पार्ट नंबर थ्री आज आप देख रहे हैं जिसमें हमने ये कैप बनाई हुई। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए कैप बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, ड्रेस हमने कंप्लीट कर ली है, अब बना रहे हम इसकी कैप। यहाँ पे हमने 22 फंदे ले लिए हैं, 22 फंदों से हम बनाएंगे कैप। और इसी तरह की तीन नंबर की ड्रेस एक राधा जी के लिए मैंने बनाई हुई है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसका ट्यूटोरियल भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो राधा जी की ड्रेस इसलिए बोल रही हूँ मैं, राधा जी की चोली थोड़ी सी कान्हा जी के लड्डू गोपाल जी से थोड़ी सी हल्की सी बड़ी होती है। देखिए, इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई में आठ फंदों का फर्क है, ऊपर से तो नहीं है, यहाँ से हमने आठ फंदे कर दिए, मतलब जाली एक एक एक्स्ट्रा कर दिए, और बाजू भी आपको दिख रहे होंगे थोड़े बड़े और थोड़े से मोटे। ठीक है, तो बस यही फर्क रहता है, आपको इसका ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे हमने 22 फंदे ले लिए हैं। पहली रो हम उल्टी बना लेंगे, पर्ल में बनाएंगे पिंक कलर से। तो पहली रो हम कंप्लीट कर लेते हैं, देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे, तो रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पहली रो कंप्लीट कर ली है, अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर लगा लेंगे। ग्रीन कलर से हम दो लाइनें बना लेंगे, बैक और फ्रंट। तो चलिए इसको जोड़ के दो लाइनें बना लेती हूँ, दोनों पर्ल में बनानी है। तो देखिए, ग्रीन कलर से भी हमने दो लाइनें बना ली उल्टी और सीधी। अब फिर क्रीम कलर लगा लेंगे यहाँ पे, क्रीम नहीं, येलो कलर। तो यहाँ पे हमने तीनों ही कलर के तीन बॉर्डर बना दिए, मतलब एक लाइन तो हमने पिंक की बनाई, दो लाइनें हमने ग्रीन की बनाई और दो लाइनें येल्लो की बनाई। अब पिंक कलर से डिजाइन देंगे, यहाँ पे पिंक कलर से एक रो बना लेंगे, एक नहीं। अब क्या करेंगे हम, पांच पांच फंदे हम बना लेंगे इनके, पांच येलो के और पांच पिंक के। तीन बनाने के बाद धागे को इस तरह से लपेट लीजिएगा, पांच बन गए, फिर पांच हमारे दो तीन चार, सॉरी तीन के बाद धागे को लपेट लेंगे, चार और ये पांच, फिर एक दो तीन, लपेट लेंगे धागे को, चार पांच, लास्ट फंदा हम पिंक का बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, जो जिस कलर का है उसी कलर से बना लेंगे वापस पांच पांच फंदे। तीन फंदे बनाएंगे, पिंक कलर के धागे को लपेट लेंगे, फिर पिंक से बना लेंगे तीन फंदे बनाएंगे और येलो कलर के धागे को लपेट लेंगे। तो इसी तरह से हमको चार लाइनें पूरी कर लेनी, दो लाइनें तो हमने दूसरी लाइन में आ गई, तीसरी और चौथी भी ऐसी बना लेनी है। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे चार रो बना दिए हैं, अब मैं दो रो और बना लूँगी, छः रो बना लूँगी। ठीक है, तो छः रो ऐसी बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने छः रो बना ली है, यहाँ पर अब हम सातवीं रो में आए हैं। यहाँ पर अब क्या करेंगे, ग्रीन को भी आपको ऊपर को ले आना है धागे में दबा करके। ठीक है, एक ग्रीन बना लेंगे और तीन हमारे, और येलो का भी हम दबाते हुए ले आएंगे, तीन पिंक बनेंगे, फिर एक और दो ग्रीन बनेंगे, जो पांच थे ना उनके किनारे पे एक एक हम ग्रीन कर लेंगे। ठीक है, येलो कलर को भी साथ में लेके आएंगे, तीन हो गए,
और एक और दो, एक येलो एक पिंक, दो ग्रीन कर लेंगे। फिर हमारा यहाँ से एक दो तीन पिंक हो जाएंगे, देखिए ये और ये हमारा ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा, ये देखिए एक येलो था हमारा किनारे पे, उसके बाद एक ग्रीन कर दिया, फिर तीन पिंक, दो ग्रीन, तीन येलो, दो ग्रीन, तीन पिंक, दो ग्रीन, तीन, मतलब जो किनारे पे इनके एक एक हमने ग्रीन ग्रीन कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दो दो ग्रीन कर लेंगे, दो। ठीक है, अब एक ही येलो रह गया हमारा, चार ग्रीन आ गए, एक पिंक आ जाएगा, फिर से ग्रीन आएगा, एक दो तीन और ये चार, चार आने से पहले हम धागे को लपेट लेंगे, चार। ठीक है, एक येलो, चार फिर से ग्रीन, साथ में लपेट लेंगे धागे को, दो तीन चार, एक पिंक और ये लास्ट वाला भी ग्रीन से बना लेंगे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारे फंदे ग्रीन से बना लेते हैं और पिंक और ये कट कर लेंगे यहाँ से, इनका काम हो गया खत्म। अब ग्रीन से बना लेंगे, और इनको नोट लगा करके धागों में दबा लेंगे। इसमें दबाते हुए पूरी रो हम ग्रीन से बना लेंगे। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी कैप बन चुकी है, पौने 2 इंच करीब। ठीक है, ये लास्ट रो बना लेंगे, लास्ट वाला हम रो बना लेंगे। थोड़ा सा मोटी वो ले ली मैंने नीडल 9 नंबर की, क्योंकि ये थोड़ा ढीला आएगा, 2 का 1 करेंगे। दो का एक करेंगे, दो का एक करेंगे, इसी तरह से ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए रो कंप्लीट कर लिए, अब हमारे आधे फंदे हो गए, मतलब 11 फंदे हो गए हैं। धागे को कट कर लेंगे और तो देखिए सुई में ले लिया है, और ये सारे फंदे हम ऐसे फ्रंट से, मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि ये धागे फट जाते हैं। ठीक है, ऐसे हम सारे फंदे चढ़ा लेते हैं इसमें सुई में। तो देखिए इस तरह से सुई से हम इसको बंद कर लेंगे। यहाँ पे एक नोट लगा लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, जहां तक ग्रीन है ग्रीन से ही सिल लेंगे हम इसको। बस इतना ही है हमारा ग्रीन, यहां से हम इसको नोट लगा देते हैं एक।
कर देंगे कट। अब ये जो धागा हमारा बचा है इसी से इसको ऊपर को सिल लेते हैं। तो ये देखिए फटाफट इसको सिल लेते हैं। यहीं से हम इसको जब हम फंदे डालेंगे ना थोड़ा सा धागा छोड़ लेंगे यहाँ पे। तो चलिए सिल लेते हैं। तो ये देखिए हमारी कैप तैयार हो गई है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी बनी है। स्ट्रेचेबल भी है, देखिए कितनी खुल जा रही है। ठीक है, तो जब आप धागा वो करें ना तब तो अच्छे से करना होगा आपको धागे को। जब हम लपेटते हैं ये येलो और पिंक कलर का जब धागा मैं लपेट रही थी तो टाइट नहीं करना है। अगर टाइट करेंगे तो इस तरह से आपकी कैप खुलेगी नहीं। तो देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत इजी है ये बनाना, देखिए, और जल्दी से बन जा रही हैट के मुकाबले। हैट बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और ये देखिए हमारा फुल सेट बन गया है कैप और ड्रेस के साथ। ठीक है, तो आपको फुल ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे मिल जाएगा। चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा आप, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा क्योंकि बहुत सारी ड्रेसें आने वाली है लड्डू गोपाल जी के लिए और राधा जी के लिए। सॉल और पोंचू सब चीज आने वाला है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नई ड्रेस और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।